नमस्कार, टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं अंकित ओझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यसभा में बुधवार को रेणुका चौधरी की हंसी पर दिए गए रामायण बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस बयान पर आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया और पीएम मोदी से इस बयान पर माफी की मांग कर रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दरअसल राज्यसभा में जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तब कांग्रेस की सीनियर नेता रेणुका चौधरी जोर जोर से हंस रही थी। इस पर मोदी ने वेंकैया नायडू से कहा, सभापति जी मेरी आपसे विनती है कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का सौभाग्य जाकर मिला है। रेणुका पीएम के इस बयान से भड़क गईं और उन्होंने इसे निंदनीय बताया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि राहुल गांधी अब उनके भी बॉस हैं। पार्टी की संसदीय दल की बैठक में उन्होंने अपनी भूमिका को लेकर तमाम शंकाओं और अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारे पास नए कांग्रेस अध्यक्ष हैं और मैं आपकी व खुद अपनी ओर से उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। इसी दौरान सोनिया ने कहा, राहुल गांधी अब मेरे भी बॉस हैं, इस बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अप्रैल 2016 से पहले वैसे होम लोन लेने वालों के लिए राहत की खबर है जिन पर लागू ब्याज दरों को बैंकों ने बाजार दरों के मुताबिक तर्कसंगत नहीं बनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को होम लोन पर पुरानी ब्याज दरों को बाजार से जुड़े मौजूदा पैमाने के अनुकूल लाने का निर्देश दिया है। रिजर्व बैंक ने बेस रेट को हालिया मार्जिनल कास्ट ऑफ लेंडिंग रेट से जोड़ने के लिए कहा है, जिससे ग्राहकों को ब्याज दर पर बैंकों की मनमानी से मुक्ति मिल जाएगी। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने अब मुंबई को अपनी चपेट में ले लिया है। मुंबई में एक और दिन धुंध के बीच गुजरा और प्रदूषण के स्तर में भी थोड़ा इजाफा हुआ है। कल यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स को 275 रिकॉर्ड किया गया। यही आंकड़ा मंगलवार को 271 था। 201 से 300 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है और सेंसिटिव लोगों के लिए यह काफी नुकसानदायक होता है। बुधवार को मुंबई में एयर क्वालिटी दिल्ली की तुलना में काफी खराब रही। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रहा। यह आंकड़ा दिल्ली की हालत में सुधार को दिखाता है। जेब में कैश नहीं है लेकिन प्लास्टिक मनी यानी डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो भी आप सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ऐसी ही एक ऑनलाइन लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर एक इंजीनियर को जबरन कार में बैठाकर उसके साथ लूटपाट की। इंजीनियर के पास कैश नहीं था तो बदमाशों ने स्वाइप मशीन का इस्तेमाल करके उसके अकाउंट से 18,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। पीड़ित ने कवि नगर थाने पहुंचकर बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।